हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। और बेटा, ये आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, क्लास है आपकी KG। और जो आपका ये जो वर्कशीट का नंबर है वो है 127, 127। और बच्चों, डेट है वो है 8 दिसंबर 2020। सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है या जो भी आपको पढ़ाती है उसका नाम लिखना है। अब क्या है, नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बच्चे हमारे तो यही आशा है, आप हमेशा स्वस्थ रहिए। अब क्या, अपनी वर्कशीट हम समझते हैं कि लक्षित ने अपने, ये जो है लक्षित है, ये अपने बाग के गमले में एक पौधा लगाया। इसने क्या, एक पौधा लगाया और रोज़ाना उसकी देखभाल करता था। कुछ दिनों बाद उस पौधे में क्या है, फूल खिलने लगे। आइए गिनते हैं इस पौधे में कितने फूल हैं। हम गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, 6। 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम हिंदी में लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, 6। ठीक है, सही गिना हमने, क्या सही गिना है बच्चों, देखो कितने आए, हम क्या है, सही है हमारे, कितना है, 6। आंसर हमारा आ गया, क्या है। आइए दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, कि आइए अब हम नीचे दिए गए कुछ चीज़ों को गिनने की कोशिश करेंगे। जैसे ये जो आपके गिफ्ट्स हैं इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, 6। ये आपके फिशेस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, अरे ये भी 6। ये आपके सॉक्स, जिसको जुराब, जिसको मोजे भी बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6। और ये जो आपके डक्स हैं, जो खिलौने हैं आपके, 1 2 3 4 5, ये सारी क्या है, 6। तो हमने बिल्कुल सही है, ये सारी चीज़ें कितनी हैं बेटा, 6। और बच्चों, क्या आपको पता है कि 6 कैसे लिखा जाता है। आइए इसे अपनी कोहनी से हवा में बनाएं। जो आपकी कोहनी है उसको क्या है, हवा में बनाइए, तो आपको क्या है, 6 बन जाएगा। ये क्या है, आपके 6 हैं। इसको बेटा लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे बनता है। अब क्या है, चलिए अब उंगली की छपाई फिंगर प्रिंट से 6 बनाने का प्रयास करते हैं। जो आपका जो फिंगर्स हैं आपकी, उसको धीरे धीरे से किस फिंगर्स को टैप कीजिएगा, उससे क्या है, अपना 6 बनाने की कोशिश कीजिएगा। छपाइए ना फिंगर प्रिंटिंग से, अपना जो फिंगर है आपकी, अपनी इंक में डुबोइए और ऐसे उसको बनाइए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से करें। अब नीचे दिए गए बिंदुओं को जोड़कर 6 लिखें। ये क्या है, आप बिंदु को जोड़ें और 6 लिखें। ऐसे बिंदु बच्चे अपनी कॉपी में बनवा लें और इसको आप रोज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्या है, अच्छी तरीके से बनाना आएगा। इस तरीके से आप बनाएं। और बच्चों क्या है, अपनी कार्यपत्रिका को पूरा करें और गिनकर जो है पंक्तियों की, ये लिखें जो दे रखा है आपका, कि कार्यपत्रिका में प्रत्येक पंक्ति में चित्रों की संख्या भी आपको गिनकर लिखनी है। जो आपके पास बुक है उसको बेटा रोज़ कीजिएगा। अब क्या बता रखा है कि डेंगू बुखार, एडिस मच्छर, जो जो डेंगू बुखार चल होता है आपका, जो चल भी रहा है, ये क्या है बेटा, ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर क्या है, दिन में काटते हैं और ये साफ पानी में अंडे देते हैं। ऐसा होता है ना, कहीं सोचते हैं कि दिन में तो मच्छर होते नहीं, ये जो मच्छर है एडिस का, जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है और ये साफ पानी में अपने अंडे देते हैं। जैसे टायर हो गया, बोतलें, कूलर, गुलस्ते आदि, जल पात्र को खाली करके ढक कर रखना चाहिए हमें। क्या है, अगर इसमें पानी भी हो, बेकार पड़े हों, तो इनको हमें साफ करके रखना चाहिए। लार्वा नियंत्रण का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इसके अलावा बच्चों को ऐसे कपड़े पहनने के लिए, आप क्या है, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसकी आप पूरी बाजू हो, ताकि आपको मच्छर कम से कम काटे, ठीक है बच्चे, इस ध्यान का विशेष ध्यान रखें। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ में बच्चे बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, ताकि आपके पास जो हमारी वर्कशीट होती है आराम से पहुँचे। और बच्चे शेयर द वीडियो, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारा जो बेटा SR लर्निंग है वो KG क्लास से बच्चे 9th तक क्लास की वर्कशीट बनाता है, प्रोवाइड करता है आपके। तो बच्चे ये इन्फॉर्मेशन आप सब में बताइएगा प्लीज़ बच्चों। अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए। और बच्चे आपको पता है कोविड चल रहा है, तो हमें 6 फिट दूरी का ध्यान रखना है, किससे मिलते हैं, और हमें क्या है, हमें हाथ वाथ नहीं मिलाना है, हम नमस्ते करें और हमें मास्क लगा के मिलना है। और कहीं जाएं तो बेटा दो, जो कहीं से आएं तो अपने हाथों को नियमित रूप से पानी से वह साबुन से धोना है। चलो बच्चे मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ, ये याद रखिएगा। तो हमारी जो वर्कशीट है वो KG से 9 तक की बनती है। और हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हमारा चैनल देखते रहिएगा। बाय बच्चों।